नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube वीडियो चैनल में। आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, अभी 2019 में झारखंड में बहुत सारे सिस्टम चेंज कर दिया है, क्योंकि हम आइए देखते हैं कैसे इनकम अप्लाई करें। जिसमें आपके इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे खुलेगा कि दोस्तों यहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आइए आपको बता, देखिए दोस्तों यहाँ पे है आवेदन का प्रकार, यहाँ पे एक तो है नॉर्मल, एक है तत्काल। यहाँ पे दोस्तों अगर जी जनरल तो नॉर्मल ही बनता है, अगर ज़रूरत आपको कहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका रीज़न डालना होगा कि आपको क्या चीज़ में ज़रूरत है। आइए दोस्तों बताते हैं नॉर्मल में कैसे अप्लाई करते हैं। ऊपर से चूज करना है, फिर सेकेंड नंबर में मेल यहाँ चूज करना है, फिर आइए दोस्तों यहाँ पर नाम डालते हैं, उसका क्या नाम है उसका। फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फ्रेश रखना है। दोस्तों देखिए, अगर एफिडेविट लगाना है तो यहाँ एफिडेविट नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालना है। आइए दोस्तों एफिडेविट छोड़ कर हम यहाँ बात करते, देखिए यहाँ पे हम अभी सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल ऑफिसर, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम डालना है, यहाँ पे देखिए पिता का नाम डाल देते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देते हैं, यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे एड्रेस डाल दिए, यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, यहाँ पे फिर स्टेट पूछ रहा है, स्टेट डालना जरूरी है, स्टेट आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, यहाँ पे सब डिवीजन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट पूछ रहा है, थाना पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका रूलर हो गया, ये म्यूनसिपल हो गया, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, यहाँ पे दोस्तों जो भी है, यहाँ पे आइए रूलर में हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक डाल देना है, यहाँ पे आएगा ग्राम पंचायत, पंचायत डाल देना है, तो पंचायत है आपका, आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है विलेज, विलेज डाल दें, यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, मोहल्ला अगर है तो डाल दें, नहीं है तो जरूरी नहीं। यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कि अलग, तो अगर यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे यस कर दें, अगर नो है तो नो करके यहाँ पे डाल दें। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा यस है, इसलिए यहाँ पर हम यस कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है इनकम, क्या इसका इनकम है, दोस्तों यहाँ पे हम इनकम देख लेते हैं कि फार्मिंग से कितना है, यहाँ से 45 है, ठीक है, यहाँ पे जी कॉर्पोरेशन से 0 है, वो पोर्सन से बिजनेस से 0 है, अदर सोर्स से 45 कर देते हैं, कि दोस्तों यहाँ पे 85,000 का हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ये जो सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो किस में यूज कीजिएगा, क्या आपको पढ़ाई में यूज करना है, नौकरी में यूज करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर नौकरी में यूज करना है तो एम्प्लॉयज में डालना है, और अगर शिक्षा में यूज करना है तो एजुकेशन में डालना है। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि वेदर द अप्लीकेंट मदर फादर एम्प्लॉय नैनी नन गवर्नमेंट सर्विस, आपके माता पिता कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं या नहीं, यहाँ पे नो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है पेरेंट टू गार्जियन कहाँ से इनकम हो रहा है, यहाँ पे आपका हो गया एट, ये आपका घर से ही इनकम है, यहाँ पे लिखिए दोस्तों आपका हल्का आ गया, ठीक है, जहाँ पे आवेदन पहुँचेगा जो हल्का में। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा नेट यहाँ पे शुरू में इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको मिला लेना है, ड्राफ्ट में चल गया, उसका रेफरेंस नंबर आ गया। अगर दोस्तों यहाँ से अगर आपका आवेदन कट जाता है या सिस्टम बंद हो जाता है तो आपको क्या करना है वो भी हम बता देंगे अगले वीडियो में।
फिलहाल आप देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट नंबर आ गया, इसको ज़रूर नोट कर लेना ठीक है। यहाँ से नोट कर लेना है इसको, यहाँ पे नाम मिला लेना है कि मेरा सही है कि नहीं है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे अटैचमेंट कि दोस्तों यहाँ पे एडिट, अगर कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं और नया अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं, तो हमको अटैच करना है। यहाँ पे पूछ रहा है सैलरी स्लिप और इनकम रिलेटिव एफिडेविट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करना है सैलरी स्लिप, यहाँ पे फाइल चूज कर देना है ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे फाइल चूज कर देते हैं, तो सैलरी स्लिप ये है सैलरी स्लिप। यहाँ पे दोस्तों आइए देखते हैं, आपको पूछ रहा है इनकम एफिडेविट, तो इनकम एफिडेविट के लिए यहाँ पे हम इसके एफिडेविट डाल देते हैं, ये इनकम जो शो करता है यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों हम बात करते हैं आगे का, यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपलोडिंग होने लगेगा, अपलोडिंग हो जाएगा पूरा कम्प्लीट। और आइए हम बात करते हैं प्रक्रिया को, यहाँ पे अभी भी है, एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है क्या हम जो आवेदन कर रहे हैं वो मेरा सही है कि कुछ गलत गड़बड़ हो गया है, स्पेलिंग में मिसमैच हो गया है। दोस्तों अगर सबमिट कर दीजिएगा फिर दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए दोस्तों जो भी है यही हमको देख लेना है कि क्या है नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। दोस्तों एक बार मिला लेते हैं ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है, यहाँ पर हम सबमिट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा आवेदन सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है, इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस नंबर दे दिया, रिसीविंग दे दिया, यहाँ से रिसीविंग को एक्सपोर्ट करके इसमें पीडीएफ बना लेना है ठीक है, पीडीएफ बन जाएगा दोस्तों ठीक है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।